गुड मॉर्निंग बच्चों, कल लास्ट क्लास में ये पढ़ा था हम लोगों ने, कैपलर्स लॉज। बोलो। ओके, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तुम लोग बताओ क्या हाल है, सब ठीक है? MNS 41 और 31। कृतिका, आप कौन से बैच से हो? बस बैठ ही रहो इसमें, अभी चालू करते हैं अपन। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है, अरे ये क्या हो गया, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली आज ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन की सैटेलाइट मोशन पढ़ना है हमें। चलिए, सो लेट स्टार्ट विथ सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन, अगर मैं बात करूं सैटेलाइट मोशन की तो उसमें पहला वर्ड आता है सैटेलाइट। मुझे कोई बता सकता है क्या सैटेलाइट्स क्या होती हैं? द बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, या अपन ऐसा कहें अर्थ की जगह ड्यू टू अराउंड द प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ठीक है, क्लियर है? सैटेलाइट्स दो टाइप की होती हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, और अर्थ की आर्टिफिशियल बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, लेकिन उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तुमने देखा भी होगा PSLV, PS सैटेलाइट्स एंड GS सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे अभी। इतना लिखो जल्दी। तो आता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सैटेलाइट मोशन? कंडीशन फॉर सैटेलाइट मोशन, देखो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। कंडीशन फॉर सैटेलाइट मोशंस क्या होती है? पहली तो द सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ अर्थ, शुड कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ अर्थ। मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं। एंड प्लेन ऑफ ऑर्बिट plane of orbit of satellite should pass through of satellite should pass through should pass through
the center of Earth. अब देखो इधर, ये तुम्हारी सैटेलाइट है। मान लो तुमने दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करी और तुमने कहा कि मैं तो मेरा ये मेरा घर है और मैं मेरी सैटेलाइट मेरे सामने ही रखूंगा, रोज सुबह मेरे को दिखना चाहिए, तो ये सैटेलाइट ऐसी गोल घूमेगी? बोलो। अगर ये सैटेलाइट ऐसी रोज गोल घूमेगी तो इस पे क्या क्या फोर्स आ रहे होंगे? सर ग्रेविटी अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है एमजी से, और सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सेंट्रीफ्यूगल और एमजी। बोलो। सेंट्रीफ्यूगल और एमजी, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कॉस कंपोनेंट और एक कंपोनेंट आएगा साइन कंपोनेंट। बोलो। ये और ये, और ये कॉस कंपोनेंट। है ना, क्या साइन कंपोनेंट बैलेंस हो रहा है? ध्यान से देखो सभी लोग, क्या साइन कंपोनेंट बैलेंस हो रहा है? अगर जमीन पे खड़े रहते तो साइन कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाता, यहां नहीं हो रहा ना। मतलब सैटेलाइट विल फॉल डाउन, नीचे गिरती रहेगी, और कब तक गिरती रहेगी? जब तक साइन कंपोनेंट जीरो नहीं हो जाता। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जब सेंटर से पास हो रही होगी, ये सैटेलाइट है, इस पे अट्रैक्शन एम जी इधर लग रहा है और एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर लग रहा है, अब बैलेंस हो जाएगी? नहीं। mg मत लिखो, mg गलत हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, mg मत लिखो क्योंकि h हाइट पे है ना। क्लियर हुई क्या बात सभी को? यस अंजलि सोनी, समझ में आया? क्यों, हमने दोनों कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन इसीलिए लिखी है कि सेंटर ऑफ द ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर तो मैच होना ही चाहिए, और जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है वो भी अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये ऐसे मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन भी सेंटर से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ द ऑर्बिट भी अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर है? चल लिखिए सभी लोग, लिखो। एक और चीज देखते हैं, देखिए इधर, ये रहा हमारा प्लैनेट, अभी थोड़ी देर के लिए इसको अर्थ मान लो, ये एक सैटेलाइट घूम रही है, ये अर्थ है, ये एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है। अगर मैं सैटेलाइट को ध्यान से देखूं तो सैटेलाइट पे एक अर्थ के सेंटर पे लग रहा होगा जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में चलो आर ई प्लस एच ही ले लू क्या, मैं आर स्क्वायर ले लेता हूं फिलहाल में, ठीक है। और इधर की तरफ लग रहा होगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? सिंस ये बैलेंस्ड है तो मैं लिख सकता हूं ना जी एम ई अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, ये भी मास ऑफ सैटेलाइट है, अपॉन आर स्क्वायर एम एस वी नॉट स्क्वायर आर, आर से आर कट गया, एम एस से एम एस कट गया, तो वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना आया जी एम ई अपॉन में आर। बेसिकली हम देखें तो आर क्या है, आर ई और एच, आर क्या है, आर ई और एच, आर ई प्लस एच, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच, वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ सरफेस, रिवॉल्व अराउंड अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया था ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, अरे अरे ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं एच इज लेस देन आरी, मान लो एच बहुत हम बहुत पास में है अर्थ के, बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं अर्थ के सरफेस से, क्या है, हम बहुत पास में है अर्थ के, बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, तो बेटा वी डॉट क्या हो जाता है, जी एम ई अपॉन आरी। हाँ ना बोलो, इसमें मैं अपने मन से आरी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं रूट में ही, तो ये क्या हो जाता है, जी एम ई अपॉन आरी स्क्वायर इंटू आरी, इसे लिख दिया जी आरी। दिस इज दी ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, वेलोसिटी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। हाँ ना बोलो। अच्छा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी आती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो गया कृतिका, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जनरल फॉर्मूला क्या है, वी नॉट इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। वी नॉट यहां पे ध्यान से देखो, तो वी नॉट किस पे डिपेंड करता है, वी नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्लियर है क्या ये बात, रेडियस ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करता है एंड नॉट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। चलो इसे हेडिंग दो ऑर्बिटल वेलोसिटी और लिखो, चलो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एनर्जी इन सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट के अंदर कोई एनर्जी होती है या नहीं होती है, एनर्जी इन सैटेलाइट मोशन। देखो ये हमारा अर्थ है, कोई भी बॉडी ले लो, मैं अर्थ लूंगा तो मेरे को जी लिखने में आसानी रहेगी। ये सैटेलाइट घूम रही है विद अ वेलोसिटी वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट आई कैन से कि सर एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, हाफ एम क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या लिखूं बच्चों, बताओ जल्दी। सर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हो जी एम इंटू एम अपॉन आर ई, जी एम एक सेकेंड, एक एम आएगा ना, एक एम तो है सॉरी, अपॉन में आर लिख लो आप तो भी बढ़िया रहेगा। बोलो यार यहां से कितनी दूरी है आपकी, आर दूरी। हाँ ना बोलो सभी लोग जल्दी। इज द काइनेटिक एनर्जी इन सेटेलाइट, ठीक है, क्या मानते हो क्या सभी लोग इतना। नाउ लेट्स राइट दी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम के बीच में लिख रहे हैं, अर्थ और इसके बीच में मास ऑफ अर्थ ले लेना, ये सभी लोग अभी अर्थ के लिए पढ़ा रहा हूं। तो सर इसके लिए हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी।
अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज नथिंग, इट इज जी एम ई एम अपॉन टू आर। देखो जोड़ के, दोनों को जोड़ लो और देख लो। हाँ ना, तो बोलो यार, नेगेटिव टोटल एनर्जी क्या बता रही है? देखो द मेन कॉन्सेप्ट इज नेगेटिव टोटल एनर्जी। चलो इतना लिखो फिर मैं लिखवाता हूं। द टोटल नेगेटिव एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव which shows that the system is bounded and not free to leave the planet it is under the influence of planet, it is under the influence of planet. क्लियर है बात सभी को? टोटल एनर्जी नेगेटिव का मॉड जो आता है इसे अंग्रेजी में बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बी इज द बाइंडिंग एनर्जी इट इज द मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी दिस शोज दैट सिस्टम इज बाउंडेड, दैट सिस्टम इज बाउंडेड। मैं अगर ग्राफ बनाऊं, मैं फिर लिखता हूं टोटल एनर्जी इज माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी इज जी एम ई एम अपॉन आर एंड काइनेटिक एनर्जी इज जी एम ई एम अपॉन टू आर, और ये भी टू आर आएगा। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, नेगेटिव जाएगा, मैं अगर एनर्जीज का ग्राफ बनाऊं, सारी एनर्जीज का एक कंबाइंड ग्राफ बनाऊं, आर और एनर्जी का एक ग्राफ बनाऊं मैं, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि ये आ रहा है मेरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। सर आपने ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनाया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आ रहा है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और इससे थोड़ा सा कम आ रहा है मेरा टोटल एनर्जी का ग्राफ। हाँ ना, बोलो सभी लोग, क्लियर है क्या है कहानी? लिखो। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर तुम देखो तो जनरल ऑर्बिटल वेलोसिटी आई, वो आई यहीं लिख लो नोट, मैं लिखवाना भूल गया था, यहीं पे एक नोट लिख लो, ये यहाँ पे जगह बची हो तो। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आई तुम्हारी? 8। और एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी? 11.2। इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज 1.4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल, और 1.4 को रूट टू लिखते हैं। तो कभी कभी अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर ये पूछ ले तो डेटा याद होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज रूट टू टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, एक छोटा सा थियोरेटिकल डिस्कशन है कि व्हाट इज पोलर सैटेलाइट एंड व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो देखो, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? पहली बात तो ये, जो तू अच्छा नोट लिखना है क्या वो? अरे लिख लेना यार, रूट टू ही तो लिखवाया है, क्या लिखवाया है, कुछ नया थोड़ी लिखवा दिया मैंने। अच्छा देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर दो सैटेलाइट्स
विच मूव्स, ये हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर के अलोंग मूव करती है, इक्वेटर प्लेन के अलोंग मूव करती है, मूव अलोंग इक्वेटर प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, फिर नेक्स्ट आता है ये जो इसका मूवमेंट होता है ना, ये अराउंड अराउंड 7 RE होता है हाइट, ये जो डिस्टेंस होता है ना ये 7 RE होता है, इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। अब ये जियो स्टेशनरी वर्ड का मतलब समझो, जियो स्टेशनरी वर्ड का मतलब ये होता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि अगर ये मेरा घर है, अगर ये मेरा घर है और मैंने सैटेलाइट यहां लगा दी तो ये मुझे हमेशा ऐसी दिखती रहेगी, बस मुझे लगेगा ये तो चल ही नहीं रही, बल्कि ये चल रही है लेकिन अर्थ के साथ इस तरीके से चल रही है कि मुझे इसका कोई मोशन दिख नहीं रहा है। इट रोटेट्स, इसका डायरेक्शन फिक्स है रोटेशन का, रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। कहां यूज आती है? टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद में यूज आती है तुम्हारी पार्किंग सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? दूसरी आती है पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट नाम से ही समझ में आ रहा है, पोलर सैटेलाइट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये सैटेलाइट जो होती है ये अलोंग द पोल्स नॉर्थ टू साउथ कैसी मूव करती है, ये पोलर सैटेलाइट्स है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। दे मूव वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, 500 to 800 किलोमीटर, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। और इनका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट रखा जाता है, कितना रखा जाता है? 100 मिनट। क्लियर है ये बात हर किसी को? इनका मेजर यूज एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट करने में है, एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट करने में है इनका मेजर यूज। क्लियर हुआ इतना? जल्दी से इसको लिख लो। जल्दी से लिख लो इन्हीं बातों को, छोटी छोटी बातें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आके हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए सभी लोग, और जिनके स्कूल के एग्जाम्स है ऑल द बेस्ट, आप लोग जा सकते हैं।